मैं आपका नाम क्या स्टार्ट कर दूँ? संचिता बनर्जी। आपके नाम के साथ मैं स्टार्ट कर दें? हाँ हाँ चलिए। निरुबंजन सनी, मैं अपने जो निरुबंज आपके नाम बोलिए ना, आपको मैम आपका नाम? नमस्कार, मैं संचिता बनर्जी। जो मैंने आपने निरुबंज सनी में जो काम किया है मैम, उसके नाम बताइए, कैसी आपको मूवी मिली? ओह माय गॉड, वो तो बहुत अच्छी स्टोरी है। मतलब एक्चुअली मेरे रियल लाइफ के जो आज मैं जहाँ पे हूँ, जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं बिकॉज ऑफ दैट फिल्म न्यू हिंदुस्तानी 2 में मुझे बहुत अच्छा ब्रेक दिया है। एंड जब मैंने स्टोरी रियल में सुनी थी तो मैं खुद ही रो रही थी। एंड जब मैंने एक्टिंग भी किया वो रियल आंसू था, क्योंकि मैंने सच बोला तो मुझे भोजपुरी करना नहीं था, क्योंकि मैं बोल नहीं पाती हूँ ठीक से भोजपुरी। तो मैंने कहा कि जब मैं हिंदी मूवी रक्तधार कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि नागेश सर की भोजपुरी फिल्म है, करोगी? तो मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं बोल पाऊँगी, नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम करके देखो, बहुत अच्छी फिल्म है एंड नई लड़की को लॉन्च करना चाहते हैं। तो उनका रिस्पेक्ट रखने के लिए मैं डायरेक्टर के साथ बात करने गई। जब स्टोरी सुना मैंने, बस उधर ही डन कर दिया मैंने, ओके। एंड दिनेश जी के साथ काम करने के लिए मौका मिला, किरण मैम के साथ काम करने के, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और दिनेश जी को जब भी मैं पूछती रहती थी कि दिनेश जी मेरा शॉट अच्छा था, अरे आप ही तो आप ही हीरोइन, क्या काम करते हो। मतलब ये एक बड़े एक्टर से आप जब सुनते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। तो मुझे अच्छा लगा उनके साथ सबका, संजय पांडे, संजय जी, अमृतपाली के साथ तो मेरा बॉन्डिंग ऐसा हो गया था कि हम दोनों सिस्टर है। स्वीट मेमोरी, प्रकाश जी, बहुत लोग हैं कि आपके साथ, संजय महाजन, बहुत लोग हैं, संजय पांडे हाँ, वो हमेशा मैं गड़बड़ कर देती हूँ बट लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे काम करना। जो सॉन्ग थे, सॉन्ग भी बहुत एक अलग टाइप के सॉन्ग थे निरुबंजन सनी में। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे मैम आप? अलग टाइप के तो एक स्वागत वाला सॉन्ग, क्योंकि एक सॉन्ग के पीछे ना कोरियोग्राफर का हाथ बहुत होता है। कानू मास्टर जी को मैं सब कुछ मानती हूँ दिल से, वो मेरे डैड है, गुरु है, मास्टर जी है। उन्होंने जो एक्सप्रेशन सिखाते हैं ना, वो बहुत सीनियर एक्सपीरियंस है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि बाबा, अच्छा बाबा इसको एक्सपीरियंस मैं कैसे दूँ। और बंगाली है, बंगाली में पूछने में भी इजी होता था। हाँ, तो बाबा ने बोला हाँ हाँ बेटा तू बहुत अच्छा कर रही है, संचिता तू ऐसा कर ऐसा कर। तो उससे कॉन्फिडेंस मिला। और अलग अलग गाना किया है हम लोग ने अमृतपाली के साथ, जब मेरा नौटंकी वाला गाना था, ये था वो था, तो हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया उस चीज़ को। मतलब जो आपने निरुबा के साथ में भी जो काम किया मैम, जो सॉन्ग किया आपने सुहागरात वाला ही, तो वो भी गाना बहुत सुपर हिट हुआ। हाँ। और जो आपने अमरपाली जी के साथ में भी आपने काम किया। हाँ, हाँ, हाँ। वो गाना जो आप बोल रहे हो। हाँ, हाँ, हाँ। वो भी बहुत हिट हुआ, बहुत सारे गाने हिट तो है। कितने क्या आपने करना पड़ा कि कितना स्टेप करना पड़ा कि एक टेक में सब हुआ कि बहुत मेहनत करना पड़ा इसकी? नहीं नहीं, मेहनत नहीं करना पड़ा, सच में बोलो तो एक दो टेक में, कभी क्लोज लिया, कभी मिडिल शॉट लिया, तो कभी वाइट लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही शॉट को दो बार तीन बार, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक ही शॉट को कभी मिडिल ले लिया, कभी क्लोज ले लिया, वैसा। लेकिन हम लोग ने बहुत एक्चुअली जो भी काम करो आप इसको एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय आप करोगे तो आपको इजीली ऐसा लगता है कि वाह नाइस। तो मैम जो अभी अपने निरुबा जी से, अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है निरुबा जी के साथ में आपका? दिनेश जी के साथ एक्चुअली ये सुपर हिट होने के बाद आपको कोई मूवी नहीं आया, कोई ऐसा मूवी नहीं आया कि जो पब्लिक चाहती है कि आपको देखें नए पर्दे पे? देखते हैं कब कर सकते हैं दिनेश जी के साथ, मैं भी चाहती हूँ दिनेश जी के साथ। निरुबंजन सनी 3 भी आ चुका है, क्योंकि मुझे मेरे फैंस मुझे बोलते रहते हैं आप कब आओगे दिनेश जी के साथ, अब लोगों की जोड़ी अच्छी है, देखते हैं कब होगा। कहीं ना कहीं आप कुछ नया प्रोजेक्ट में चॉइस करते हो ज़्यादा? हाँ, मैं डिफरेंट कैरेक्टर पसंद करती हूँ। जैसे मुझे बहुत पसंद है, मुझे पुलिस का कैरेक्टर करना है, जैसे मर्दानी इस टाइप का कैरेक्टर, लेडी सिंघम, हाँ इस टाइप का, मतलब तोड़ना फोड़ना मारना, इस टाइप के मेरा कैरेक्टर भी वैसा ही है। तो मैं चाहती हूँ इस टाइप की कोई मूवी तो करूँ, मतलब चांस तो मिले। चलिए मैम, थैंक यू। एक मिनट।